दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु अपने चैनल टेक शॉप पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप के स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे चेक करना है कि वो ड्राइवर का इशू है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर ड्राइवर का ही इशू होता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक में लास्ट में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपके लैपटॉप के स्पीकर ड्राइवर की वजह से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप अपने दिस पीसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टी मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं और उनके ड्राइवर्स हैं, ये सारी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। तो इसमें आप फाइंड आउट करेंगे, ये देखेंगे आप कि यहाँ पे ऑडियो एंड इनपुट आउटपुट है, इस पे हमने नहीं जाना है। इसमें हमारा एक ऑप्शन आता है साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, इस पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। ये हमने एक्सट्रैक्ट किया आपका यहाँ पे। अब ये तो मेरा ब्लूटूथ, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई ड्राइवर है तो ठीक है, अगर ड्राइवर नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से अपना ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। विंडोज आप प्लीज अपनी चेक करेंगे कि विंडोज 10 है, 8.1 है या विंडोज 7 है, उसका ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि किसी भी लैपटॉप का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अपने एक वीडियो की। उसमें सारे विंडोज के वर्जन के, हर लैपटॉप के मॉडल के डिस्क्रिप्शन में जब आप उसकी लिंक को ओपन करेंगे तो वहां से आप कोई भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आपका इंस्टॉल हो रखा है तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब आप इसे अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपना नया ड्राइवर सेम डिस्क्रिप्शन वाली वेबसाइट से जाकर वापस से अपना ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल कर लेंगे और आपका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा, लैपटॉप में साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।